ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सस्ती विमानों में से एक मोनार्क एयरलाइंस सोमवार वित्तीय संकट की वजह से बंद हो गई। 50 साल पुरानी इस कंपनी के बंद होने का असर करीब 9 लाख यात्रियों पर पड़ेगा। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पर्यटक विदेश में फंस गए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने विदेशों में फंसे 1,10,000 यात्रियों को वापस लाने के लिए एक व्यापक देश वापसी अभियान शुरू किया। देश की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि सरकार ने उससे उन यात्रियों को वापस लाने के लिए 30 से ज्यादा विमानों की सेवा लेने को कहा है, जो मोनार्क की सभी उड़ानों के रद्द होने के बाद विदेशों में फंसे हुए हैं। मोनार्क एयरलाइंस वित्तीय संकट के कारण सोमवार सुबह निगरानी के अधीन चली गई। ऑडिटिंग कंपनी KPMG को उसके वित्तीय संकट की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। बता दें कि मोनार्क ब्रिटेन की 5वीं सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जिसमें करीब 2,700 लोग काम करते हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।